सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सो गाइस कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। एक नए प्रैंक के साथ आपके सिस्टर आपके सामने मौजूद है और आज मेरे साथ अहमद साहब भी मौजूद है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और ये मुस्तफा साहब मुस्तकिल शाउट करते रहते हैं जब हम लोग व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अहमद साहब क्या करने वाले हैं आज हम? अरे भाई क्या बताऊं मैं, आज मैं कर रहा हूं स्टार्टिंग प्रैंक। ये पागल हो गया, पूरा मुंह के अंदर तक दिखा दिया तुमने सबको। तो गाइस आज हम करने वाले हैं शाउटिंग प्रैंक। ये मुस्तफा को इतनी हंसी आ रही है पता है। तो गाइस आज हम लोग करने वाले हैं शाउटिंग प्रैंक। जैसे कि आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने व्लॉग भी इतनी शाउटेड होकर स्टार्ट किया है, इतना ज्यादा एनर्जी से स्टार्ट किया है। तो कोशिश करेंगे ये एनर्जी बरकरार रहे और शाउटिंग प्रैंक इसके साथ करने वाले हैं। एज यूजुअल आपको पता है हम करने वाले हैं वकास के साथ, जो कि आके सो चुके हैं हमारे साथ है। प्रैंक यार बाबू के सोने के बाद क्यों बाबा ताकि गुस्से वाला इतना करे? क्यों, मैं तुम्हारे बाबा से डरती हूँ क्या? बिला जोर जोर से बोल के लोगों में बता दे। मैं कोई नहीं डरती, मैं बाबा बाबा से। तो भाई आज हम करने क्या वाले, किस तरीके से हम लोग शाउट करने वाले हैं? मुझसे तो यार नहीं होता स्पेशली जाके शाउट करना। हाँ अगर कभी वकास मुझे डराते हैं किसी बात पे, इरिटेट करते हैं, तो मैं जरूर शाउट करती हूँ, लेकिन स्पेशली जाके शाउट करना यार ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो उसके लिए मैंने आज हेल्प ली है अहमद साहब की। तो अहमद कैसे शाउट करने वाले हो, जरा चीख के बताओ। अल्लाह अहमद काफी लाउड यार, ये बहुत खतरनाक शाउट कर रहा है, कान के पर्दे फाड़ देगा। और अगर ये चीज सोते में वकास के साथ हो गई ना, तो यकीनन बहुत जबरदस्त रिएक्शन आने वाला है। तो बस स्टार्ट करते हैं आज का प्रैंक। बाबा अभी नहीं उठेंगे, बाबा अभी भी जाके सोए हैं। ये सोचो कि उठने के बाद जो बाबा का गुस्सा आने वाला है उसको हमें किस तरीके से फेस करना है। बस हवा निकल गई, सारा गुस्सा मेरे ऊपर होगा आपके ऊपर ये नहीं। तो भाई मुझे भी तो करना है ना शाउट, सिर्फ और सिर्फ तुम थोड़ी करो। आज हमारे साथ ना ब्लॉग के अंदर अहमद भी मौजूद है, तो इसके लिए ज्यादातर चांसेस ये हैं कि आज हमारे ब्लॉग के जो है वो कमेंट्स यूट्यूब बंद कर दे, क्योंकि अहमद जिस भी ब्लॉग में हमारे साथ आता है ना, तो यार यूट्यूब हमारे कमेंट्स बंद कर देता है। लेकिन मैंने कहा यार किसी ब्लॉग में चलता है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं आज का प्रैंक, देखते हैं। अरे मुझे भाई आज तो वहाँ सो ही नहीं, हम तो समझ रहे थे सो गए, बस सो ही नहीं ना, इसने नहीं उठाया। बाबा भी सोए नहीं है, बाबा मुझे लग रहा है नमाज पढ़ के मोबाइल यूज करने पड़े। नहीं ना, फिर बाबा के सोने का वेट करते हैं ना। गाइस एक भंड हो गया, वकास तो आने के बाद सोने ही नहीं लेटे, मोबाइल यूज करने बैठ गए, नमाज पढ़ रहे थे, तो मुझे लग रहा था नमाज पढ़ने के बाद थोड़ी देर वकास सोने लेटेंगे, लेकिन आज सो ही नहीं यार, आज जाग रहे हैं। यानी कि आज का प्रैंक हम लोगों को वकास के जागते में ही करना पड़ेगा। चलिए गाइस ऐसा करते हैं स्टार्ट करते, ताकि वकास को ये मौका ना मिले कि तुम हमेशा सोने का वेट करती हो। एक काम करते हैं ना सिर्फ, गाइस एक बंदे के चीखने से मजा नहीं आएगा यार, रिवेंज बनता है तो थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल का बनता है ना, एक साथ मुझसे पता नहीं शाउट हो गया या नहीं होगा, लेकिन तुम ज़्यादा लाउड करना, एक कान में तुम करना, एक जैसे ही इशारा करना दोनों साथ करेंगे। अभी बाबू को इजाजत करते हैं, हम ब्लॉग बना रहे हैं। चले भाई गाइस हमारा डेली व्लॉग स्टार्ट हो चुका है, वकास साहब भी आ चुके हैं ऑफिस से। मैं तो समझ रही थी आज आपको देर हो जाएगी, इसीलिए तो मैंने और अहमद ने ब्लॉग स्टार्ट किया। मैंने कहा आज आपको देर हो जाएगी, ब्लॉग रह जाएगा, पता नहीं कुछ शूट किया ही नहीं किया। तो मैंने कहा चलो मैं और अहमद आज ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। क्यों आपको मुझे बिलीव भी नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? अब्बा नहीं मानेंगे। कल तो मैं सिगरेट पीटना पका नहीं पकड़ा मैंने। बिलाव जाए के अंदर आपने बिलाव जाए मुझे बदनाम कर दिया, सब क्या सोचेंगे मेरे बारे में? और तुमने तो मुझे बदनाम किया। आपको नहीं है मुझे बिलीव? नहीं है आपको मुझे बिलीव? नहीं है ना। की प्लानिंग कैसा लगा शाउटिंग प्रैंक, कैसा लगा मेरा मजाक बताएं? मैंने कहा दोनों कानों पे सीटियां बजनी चाहिए ना, जो आपने मेरे साथ उस दिन किया था ना, तो आज का आज आपने बच के रहना है मुझसे और अहमद से, पहले से मैं आपको बता रही हूँ, खुला चैलेंज। मेरी नाक में कुछ भी शुरू हो गई, दोनों चीखा यहाँ से मेरे पर्दे मेरे नाक में आ गए। तो गाइस आप लोग बताइएगा कैसा था मेरा रिवेंज। मेरे ख्याल में तो ये एक ही क्लिप पे मैंने और अहमद ने वकास से रिवेंज ले लिया, लेकिन मैं ओपन चैलेंज दे रही हूँ कि आज आपने बच के रहना है मुझसे और अहमद से, बस क्योंकि एक सही बस आज आपने बच के रहना है, ना ही सोए तो अच्छा है, जो भी काम करें बिल्कुल आपने एक्टिव रह के करना है, क्योंकि आज सारा दिन मैं और अहमद आपके साथ शाउटिंग प्रैंक करने वाले हैं। अंदाजा हुआ जब मैं आपसे कह रही थी वकास यार, मैंने तो कुछ भी नहीं था, इतना स्लो था मैंने तो, यही तो बदला होता है। तुमने अपने बेटे को साथ में ला लिया, अगर मैं अकेले करती ना तो आपको इतना ज्यादा वो नहीं होता ना, आपको अरे कहना क्या चाहते हो, ज्यादा इरिटेट नहीं होते ना आप, तो फिर मैंने कहा यार मजा आया।
तो आप भी मुझे कूट दे दी। सो गाइस ये था फर्स्ट अटेम्प्ट, मैंने विकास को बता दिया। तुम्हारे को पहले बोला था ना कि मुझे पता था ये प्रैंक बनाएगी, ये ब्लॉग बनाएगी नहीं, मुझे पता था ये होशियार ही करेगी। तो गाइस मिलते हैं आप लोगों से सेकंड अटेम्प्ट करने पर। देख सकते हैं आप लोग यार मैंने और अहमद ने किस तरीके से वकास के साथ शॉटिंग प्रैंक किया, यानी कि दोनों ने साथ ही वकास के कान में चीख मार दी, जबकि मेरा और अहमद का ऐसा कोई प्लान नहीं था कि हम लोग साथ जाके एक साथ शाउट करेंगे। बस एकदम से ही प्लान बना, हम लोगों को मौका मिला और हम लोगों ने वकास के कान में शाउट कर दिया। अब मैंने वकास को ओपन चैलेंज किया कि आपने बच के रहना है हमसे, एक से दो अटेम्प्ट हम मजीद वकास के साथ करेंगे, देन इसके बाद करेंगे प्रैंक को एंड। अहमद 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 जल्दी आ जल्दी, बाबा की कॉल आई भी, जल्दी आ जा जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। मौका अच्छा है, वकास की कॉल आई भी, हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैंक। जल्दी चल 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 चल। हाँ हाँ कल का ऑफ है, कल का ऑफ है। हमारे साथ करें तो आप बड़े आलिम फाजिल हैं। हाँ ये सही बोला अंकल, ये बहुत सारे प्रैंक करते हैं हमारे साथ, ये इनको सजा मिली। अब बोले क्या कह रहे थे, यानी आप चाह रहे थे आप कॉल पे बात करें तो हम आपको बख्श देंगे। वो बेचारे उनके कान के पर्दे ही फट गए होंगे जो आपसे बात कर रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं बोला, हमें आवाज आई। अच्छा देखा, खुद भी कैसे सीरियस हो जाते हैं गाइस, ये देखिए कितने सीरियस हो जाते हैं जब इनके साथ प्रैंक हो रहे हो, तो इतने मजलूम बन जाएंगे, इतने इतने मजलूम बन जाएंगे जैसे इनसे ज्यादा बेचारा मासूम कोई है ही नहीं, है ना। हमारे साथ और जब कर रहे होंगे और कितने मासूम और भोले बन के बैठ जाते हैं जैसे इनके। क्या अच्छा, सारी तमीज हमें सिखाते हैं आप, अपने प्रैंक के वक्त भी तो सीख लिया करें सारी। फोन पे बात करते हुए नहीं किया था आपने, फोन पे बात करते हुए भी आपने प्रैंक क्यों, कॉपी प्रैंक पे आपने फोन पे बात करते हुए मुझे कितना बॉदर किया था। हाँ याद नहीं आ रहा, अपनी 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 चीजें याद नहीं आती हैं। हम प्रैंक करें तो सारी तमीजें सिखाने आ जाते हैं हमें। अम्मी से बात कर रही नहीं, मैं दोस्त से बात कर रहा हूँ। तो दोस्त से बात करना ज्यादा जरूरी है, अम्मी से बात करना ज्यादा जरूरी है। ओहो कारोबारी बात चेक करें जरा आप, ये देखिए हाँ इनको देखो जरा, ये बच्चे को क्यों बोल रहे हैं आप, वो मेरा साथ दे रहा है हड्डियां से बिला वजह के अंदर। गाइस देखिए जरा, अपने ऊपर सारी चीजें लागू हो जाती हैं, हमारे ऊपर आती सारी इनको ये याद आ जाता है कि तमीज क्या है। डर चेक करेंगे नहीं, मोबाइल पे नहीं, मोबाइल का मजाक नहीं, मोबाइल का मजाक नहीं, मोबाइल का मजाक नहीं, यही तो एक सेफ्टी है मेरे और आपके बीच में। क्या कहते हो, अच्छा सो जाए ना, मैं तो आपको मना ही नहीं कर रही। क्या नहीं, छोड़ दे उसको, छोड़ दे बिला वजह के अंदर। गाइस ये देखें, डर के मारे सो नहीं रहे और फिर मुझे बोलते हैं कि तुम तो मेरे सोने का वेट करती हो, सारे प्रैंक्स तुम मेरे सोते वक्त ही करती हो, तो आज मैं आज आपके जागने का वेट किया मैंने कि आप जागेंगे तो सारे प्रैंक्स होंगे। वैसे जाए चले जाए ना, क्या सोने की नहीं, देखें कितने बेताब हो रहे हैं यार ये। चले माफ कर देते हैं, चले माफ कर देते हैं, चले जाए जाए बख्श किया, बस दो काफी जाए। हाँ हाँ सोने जाए, हाँ हाँ वाकई सोने जाए, पक्का। नहीं यार इतने भी जालिम नहीं है हम लोग की किसी को सोने से रोके नहीं, आप जाए। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, अब नहीं छोड़ूंगी, देखिएगा। सो जाए सो जाए, यहाँ सो रहे, वहाँ सो रहे। मत बाबा सोने लेट गए, मत जल्दी से लास्ट अटेम्प्ट करते हैं फिर। माफ कर दिया ऐसा कैसे, मैं ऐसे कैसे माफ कर दिया, लास्ट अटेम्प्ट तो करेंगे ना गाइस, ये तो नहीं होगा, कितना तंग करते हैं वकास, तो बस सोचे मैं एक अटेम्प्ट करते हैं उसके बाद ब्लॉग का एंड करेंगे। ये देखिए वकास सो रहे, मुस्तफा आवाज से लो करो। मैंने कहा यार फ्रैंक को एंड कर, प्रैंक को एंड करना था ना यार, अच्छी सी एंडिंग करनी थी, इस वजह से करा मैंने। क्या हो गया, बस एंडिंग करते हैं, चलें बस अब नहीं करेंगे, प्रॉमिस एंड कर रहे हैं। देखिए अहमद सॉरी करना आ गया फौरन। तो गाइस करते हैं यार प्रैंक को एंड, वकास सोने लेट गए थे,
तो मैंने सोचा था यार बस एक लास्ट टाइम कर दे। तीन दफा करना था ना, आपने भी तीन दफा किया था ना इस वजह से। चले गाइस, कैसे लगा आप लोग को ये प्रैंक मुझे बताइएगा जरूर। शाउटिंग प्रैंक आपको कैसा लगा? घटिया लगा, घटिया प्रैंक। आपका उससे ज्यादा घटिया था। मेरा प्रैंक ज्यादा अच्छा था या फिर आकाश का, ये बताइएगा आप। चले गाइस, करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह।